नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त आपका शुभचिंतक संदीप मिश्राम, फाउंडर एंड सीईओ आर एस अग्रोतर एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट बहुत यूनिक है। आज दोस्तों हम लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में, हमारे भारत का बहुत ही खूबसूरत सा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो हिमालय पर्वत की, आपको हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। और अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर 85 एकर्स का ये फार्म हाउस है। तो मैंने आपको बताया कि हम अरुणाचल प्रदेश में रोइंग डिस्ट्रिक्ट में है और हमारे रिंगू लिंगी सर हमारे साथ में है और इन्हीं का ये फार्म है और यहाँ पर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। इन्हीं के पार्टनर हमारे योगेश भाई, ये मिलके यहाँ पर एक अचीवमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले इनको मैं बधाई देना चाहूँगा सर कि आपने इस एरिया में कुछ तो भी नया ठाना है और हमारे आज से काम स्टार्ट किया है और आज यहाँ से लेकर लास्ट तक 15 एकड़ ज़मीन में अमरूद लगने वाली, जिसमें से हमने कुछ वेरायटी को चुना है, जिसमें से ताइवान पिंक हम यहाँ पर लगा रहे 10 एकड़ में, जी विलास लगा रहे 5 एकड़ में, इसके अलावा सफेदा लगा रहे 3 एकड़ में, थाई सेवन लगा रहे 2 एकड़ में, 2 एकड़ में लगा रहे सदाबहार। दोस्तों, ये आपके सामने बोलने का रीज़न क्या है, क्यों मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम लोग बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क कर रहे हैं। देखिए, हमारे ऑफिस ये जगह पहली बात तो 2400 किलोमीटर दूर है और दूसरी बात यहाँ पर अमरूद के कहीं भी बगीचे नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस एरिया। और दूसरा चैलेंजिंग वर्क ये कि यहाँ का जो पीएच है, यहाँ का पीएच हमने देखा है 5.5 पीएच पे अमरूद लगाना, इट इज वेरी चैलेंजिंग वर्क। लेकिन दोस्तों, हमने इसका ट्रीटमेंट किया है, हमने इस पर पहले सॉल्यूशन निकाला है, उसके बाद में हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। 2 महीना पहले हमने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें डलवाए जिससे हम पीएच बैलेंसिंग कर रहे हैं। अभी वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि किसी किसान भाई को समस्या हो सकती है। भारत में कहीं भी रहो आप, पीएच बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग होते रहता है। तो सबसे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करूँगा कि अपने ज़मीन का पहले सॉइल टेस्टिंग करवाइए। सॉइल टेस्टिंग करवाने के बाद ही आप बगीचे लगवाना स्टार्ट कीजिए। उदाहरण के लिए अभी मैंने यहाँ बोला कि 5.5 का पीएच है। बाय द वे, आपके राजस्थान में हो सकता है, आपके गुजरात में हो सकता है, आपके मध्य प्रदेश में, ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है। तो क्या करेंगे आप, हमने यहाँ पर क्या किया बता देता हूँ और क्या करने वाले हैं जिससे पीएच बैलेंसिंग हो जाए। उसके पहले बता दूँ, एक नेचुरली पीएच होता है 7 तक। 7 एक बैलेंसिंग पीएच होता है, हमारे ज़मीन का 7 पीएच होना चाहिए। यदि 7 के ऊपर जाए या 7 के नीचे आए, तो नीचे आए तो अम्लीय होता है, ऊपर गए तो अल्कलिक होता है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, यदि कम पीएच है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एकड़ में हमने 600 किलो इन 6 क्विंटल हमने यहाँ पर डोलोमाइट चूना डलवाया। पहला काम तो ये करना, क्योंकि ये चूना डलवाने से, लाइम डलवाने से पीएच बैलेंसिंग होता है दोस्तों। अनदर, आपके यहाँ यदि कोई हरी घास होंगी, जैसे ढेंचा हो गया, बरसीम हो गया, ये आप बीच में लगा के उसको पलटा दीजिए, इससे भी आपका पीएच बैलेंस होता है। तीसरा, पोटेशियम ह्यूमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि आप जैसे हम डी कंपोस्टर होता है, वेस्ट कंपोस्टर होता है, जीवामृत होता है, इसका हर 15 दिन में इस ज़मीन पर इस्तेमाल कीजिए, 100% आपका पीएच बैलेंस होगा। ये हो गया किसके लिए, जिसका पीएच डाउन है। लेकिन किसी किसान भाई की ज़मीन का पीएच ज़्यादा है, वो हमने प्रैक्टिकल किया था उज्जैन में, वहाँ हमने पीएच था 9.5 और हमने वहाँ पर सीतापल लगाना था हमें 20 एकड़ में। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उसका सॉइल टेस्टिंग किया और पीएच को नॉर्मल करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए हमने वहाँ पर जिप्सम डलवाया। दोस्तों, जिप्सम डलवाते हो वो भी एक एकड़ के लिए कम से कम 40-45 किलो जाना चाहिए। ये होने के बाद में पोटेशियम ह्यूमेट वहाँ भी इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक मैनर्स इस्तेमाल किया, और आपका वेस्ट डीकम्पोस्टर वर्मी का अपना क्या बोलते हैं जीवामृत, इसके इस्तेमाल करने से वहाँ का पीएच हमने 7.5 तक लाया है। ये मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश किया। और मेरे किसान भाई, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी, आपके खेत में भी समस्या होंगी तो आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। अभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह हम इस ज़मीन को बनाया है, अब यहाँ पर बेड बन रहे हैं, बेड बनने के बाद में मल्चिंग होंगी, मल्चिंग पे हम लोग यहाँ पर प्लांट्स लगा रहे हैं। अभी आपके जब ये रो देख पा रहे हैं, ये अभी हमने डेमोस लगाया है, यहाँ पर हमने ताइवान पिंक लगाया, ताइवान पिंक की बेहतरीन वेराइटी हमने यहाँ भेजे हैं 2400 किलोमीटर दूर यहाँ आने के बाद। और मुझे उम्मीद है कि हमारी लड़ाई सक्सेस के साथ में है, जैसे अक्रॉस इंडिया में हम लोग सफलता किए बगीचों में, और हमें पूरी गारंटी है कि अरुणाचल प्रदेश में अमरूद हो गया, मौसम्बी हो गया,
संतरा हो गया, सीताफल हो गया, यहाँ पर 100% सक्सेस करके दिखाएंगे। और आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपना प्यार दुआई देते रहिए, आप दोनों का संबंध बना रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते।